क्रिस्पी और मज़ेदार बिल्कुल नए तरह की पूरी चिली चीज़ पूरी आप एक बार बना के ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूं शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे चिली चीज़ पूरी। नाम से ही लग रही ना कितनी टेस्टी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। चिली चीज़ पूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सूजी लेंगे। ये आधा कप सूजी है, नॉर्मल वाली सूजी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप बारीक सूजी का इस्तेमाल करें तो उसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सूजी अब पिसके तैयार है, तो एकदम ये पाउडर नहीं हो जाएगी, बस हल्का सा इसको हमें पीसना है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, सूजी थोड़ी खाते समय मुंह में आती है। यहाँ पर हम डाल देंगे अनियन, तो एक छोटा प्याज मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है प्रोसेस्ड चीज़ आधा कप, तो ये चीज़ क्यूब जो आते हैं बाज़ार में, चीज़ क्यूब को बस मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है ग्रेट किया हुआ पनीर आधा कप। इसमें डाल देंगे गार्लिक, तो 3 से 4 गार्लिक बिल्कुल बारीक कटे हुए, ये भी ऑप्शनल है। तो इस रेसिपी में आप अनियन और गार्लिक दोनों ही छोड़ सकते हैं अगर आप पसंद नहीं करते हैं खाना, क्योंकि हम बना रहे हैं चिली चीज़ पूरी। तो हम क्या डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे काफ़ी सारे, और यहाँ मेरे पास है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसी में मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें भी कट करके डाल दी हैं। हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक थोड़ा ही डलेगा क्योंकि प्रोसेस चीज़ डाला है, इसमें काफ़ी सारा नमक होता है। और अब हम इसमें डालेंगे आटा, तो मैं अभी 1 कप आटे का यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी आटा डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 2 टेबलस्पून भर के तेल, इससे क्या होगा हमारी जो पूरियाँ हैं बहुत ही खस्ता बनेंगी। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको अब अच्छे से हाथों से मिला देंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स करें जिससे कि जो अनियन है और जो पनीर और चीज़ है उसका जो मॉइस्चर है वो हमारे आटे में आ जाए। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक हार्ड डो लगाएंगे। तो ये देखें आटा गूंथकर तैयार है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तक गूंथा है इसको। अब हम इसको कवर कर देंगे और करीब 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आटे को ढके हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, आइए हम इसको निकाल लेंगे। मैं इसको अपने रोलिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। हम इसको एक बार फिर से अच्छे से नीट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो याद रखें पहले आप आटा अच्छा हार्ड गूँथें, क्योंकि जब आप इस आटे को रखते हैं रेस्ट के लिए वो अपने आप ही नमक की वजह से पानी छोड़ता है और लूज़ हो जाता है। और अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो जितनी छोटी बड़ी पूरियाँ आपको बनानी है डिपेंड करता है, आप उतने साइज़ की बना सकते हैं। तो यहाँ अगर आप चाहें तो इस आटे से जो है पराठे भी बना सकते हैं अगर आपका पूरियाँ खाने का मन नहीं है। तो ये देखें, और साइड से हम थोड़ा सा इसको दबा के एक सा करेंगे, नहीं तो जब हम इसको बेलेंगे तो इसकी साइड्स जो है वो स्मूथ नहीं रहेंगे। ये देखिए मैंने सारी जो लोइयाँ हैं वो तैयार कर ली है। इतने आटे से आप करीब 16 से 17 पूरियाँ बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और बाकी को ढक के रखेंगे जिससे कि वो ड्राई ना हो। और हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको अच्छे से रोल कर देंगे। और इसको बेलना है तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं बेलना है, छोटा ही बेलें इसको, और इसके साइड्स जो हैं इस तरह से एक से कर दें। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, बिल्कुल तैयार है। और आइए हम इनको सेक लेंगे। तेल अच्छे से अब गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे ये पूरी। इसको हमें फ्राई करना है दोनों साइड से जब तक एकदम क्रिस्प ना हो जाए। तो देखिए एकदम अच्छे से फूल गई है। इसको उलट पलट कर सेकें आप कई बार, तो ध्यान रखिएगा पूरी तलते समय आँच को तेज़ होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी पूरी है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पर इतना भी तेज़ ना कर लें कि जो पूरी है वो डालते ही जल जाए और सिकी ना पाए। तो देखिए बिल्कुल तैयार है, और इसी तरह से मैं सारी की सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। आप एक बार इन चिली चीज़ पूरियों को ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। आप उनको नाश्ते में दें, शाम को चाय के साथ, या फिर टिफ़िन बॉक्स में रखें, तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे फीडबैक दें कैसी लगी आपको। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।